तो दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह आज हम नाश्ता में बना रहे हैं आलू ओल का रेसिपी। दोस्तों आलू ओल का रेसिपी एकदम टेस्टी और लाजवाब बनाएंगे। तो ओल का छिलका हम हटा दिए हैं, साथ ही आलू को। चलिए आप दोनों को बारीक काटते हैं और रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। आप लोग मेरे वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं। दोस्तों ओल को और साथ ही आलू को बारीक काट के अच्छे से फ्रेश से धो लिए हैं। तो आइए दोस्तों रेसिपी बनाएंगे। तो सबसे पहले आलू ओल को भून लेते हैं तेल में, सरसों के तेल में इसे फ्राई करेंगे। तो चलिए दोस्तों फ्राई करते हैं। यहाँ कढ़ाई चढ़ा दिए हैं, साथ ही तेल गर्म हो चुका है। तो आइए हम ओल को आलू को भून लेते हैं। कढ़ाई में डाल दिए हैं, तो चलिए अब इसे हम भून लेते हैं। दोस्तों 3 से 4 मिनट लगेगा और वो आलू साथ में ही फ्राई हो जाएगा। तो चलिए फ्राई कर लेते हैं आलू को और ओल को। देखिए अच्छी तरह से भून लिए हैं, कितना अच्छा कलर आया है। तो चलिए अब इसे हम थाली में निकाल लेते हैं। तो दोस्तों ओल आलू को प्लेटों में निकाल लिए हैं। तो चलिए अब इसके लिए मसाला भूनते हैं। तो आइए इसी कढ़ाई में बनाएंगे। तेल डाल दिए हैं, सरसों का है, साथ ही तेजपत्ता डाल देंगे और जीरा। चलिए दोस्तों प्याज भुना गया है, तो इसमें डाल देते हैं लहसुन का पेस्ट। लहसुन को थोड़ा भून लेते हैं ताकि इसका कच्चापन जो है निकल जाए। साथ ही इसमें डाल देते हैं कलर के लिए हल्दी पाउडर। चटपटा तीखा होने के लिए मिर्ची पाउडर और धनिया पाउडर 1 चम्मच, साथ ही हल्का पानी डाल देंगे। और इसी में हम डाल देंगे टमाटर, 2 छोटा टमाटर बारीक काट लिए। टमाटर गलने के लिए और मसाला को भूनने के लिए हम डाल देते हैं स्वाद अनुसार नमक। मसाला को हम 4 से 5 मिनट तक कम ताव करके अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि टमाटर जो है गल कर इसमें मिक्स हो जाए। तो आइए दोस्तों भून लेते हैं। तो देखिए आलू ओल की रेसिपी बनाने के लिए मसाला को जो है अच्छे तरह से भून लिए हैं। कितना अच्छा से टमाटर गल के मिक्स हो गया है मसाला में और साथ ही ऑयल भी छोड़ दिया है चारों तरफ से। तो चलिए दोस्तों अब इसमें हम डाल देते हैं आलू ओल जो भुने हुए हैं। अब इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे और ओल को मसाला के साथ 1 मिनट तक भून लेंगे। चलिए दोस्तों ढक्कन से ढककर इसे 1 से 2 मिनट तक भूनते हैं मसाला के साथ। 2 मिनट तक भून लिए हैं। चाहिए इसे अब पकने के लिए हम पानी डाल देते हैं इसमें। तीन से चार मिनट में मेरा रेसिपी बनकर तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों मेरा टेस्टी टेस्टी आलू और ओल का रेसिपी बनकर तैयार है। तो आइए इसमें हम कस्तूरी मेथी डाल देते हैं। कस्तूरी मेथी डालने से दोस्तों फ्लेवर जो है और भी अच्छा आएगा।
तो 2 मिनट के लिए ढक देते हैं और गैस को बंद कर देते हैं। तो टेस्टी टेस्टी लाजवाब आलू ओल का रेसिपी बनकर तैयार है, बनकर तैयार है। देखिए दोस्तों, तो आइए इसे प्लेटों में सजाते हैं पराठा के साथ। दोस्तों ओल का सब्जी और पराठा खाएंगे साथ में, बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो चलिए दोस्तों, पराठा के साथ इसे हम परसते हैं प्लेटों में। तो दोस्तों टेस्टी टेस्टी लाजवाब आलू ओल का सब्जी और साथ में तो गर्मा गर्म पराठा बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो दोस्तों ओल का रेसिपी बनाने का तरीका पसंद आया होगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए दोस्तों में, शेयर करिए। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।